यूपी के मिर्जापुर से डीएम कार्यालय से इंसानियत को तार तार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हैरत की बात यह है कि एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी फाइलों में इन्हें मृत करार दे दिया गया। अब बेसहारा लाचार बुजुर्ग खुद जिंदा रहते हुए खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी कार्यालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां के रहने वाले भोला सिंह 56 वर्ष डीएम कार्यालय के सामने हाथों में खुद के जिंदा रहने का बैनर लेकर बैठे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग भोला सिंह का कहना है, उन्हें जीवित रहते हुए राजस्व निरीक्षक लेखपाल ने मृतक करार देकर उनके हिस्से की जमीन भाई राजनारायण के नाम कर दी है। बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं मामले में उप जिलाधिकारी का कहना है, इस मामले में जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाया जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? भोला। ये बताइए आप कहाँ पे आए हुए, क्यों बैठे हैं? बैठे साहब हम के मुँह आए थे हैं तो कम एकदम से मुँह आए थे क्या करे बार। हाँ। और हमारे बाप के मरने के बाद दो जने के नाव चढ़ के बाद दोनों भाई के। हाँ। लेकिन एक बात हम के मुँह आई क्या उनके नाव कई थे जमे नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ हाँ। क्या मृतक है मतलब मर गया है। तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं क्या कहने के लिए? हाँ सर हम जिंदा है। अच्छा जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे आप बात किए हैं क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते ना यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ा है सब कुछ। 15 साल से मृतक घोषित है। हाँ हाँ। बुजुर्ग बैठा है कलेक्टेड ऑफिस में वो गुहार लगा रहा है, साहब मैं जिंदा हूँ 15 साल से वो गुहार लगा रहा है, क्या है सर पूरा मामला? कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमोई की ज़मीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहां पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गाँव के रहने वाले हैं, वहाँ भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है, मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पर जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्याय के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी आयोजित हुई, वहाँ से निर्णय होकर के फिर से तहसीलदार न्याय के न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित करेंगे। सर एक इसमें ये भी देखने का है कि न्यायिक में ये मामला चल रहा है आपके तहसील में, 15 साल से वो व्यक्ति खुद खड़ा होता है और कहता है कि साहब मैं जिंदा हूँ, सामने बैठा अधिकारी ये नहीं अब तक क्लियर कर पा रहा है कि वो व्यक्ति जिंदा है जबकि वो सामने खड़ा है, उसका कहना है और उसने जो लेटर भी दिया उस लेटर में भी लिखा ये चूक हुई है कि इस तरह से व्यक्ति अभी तक परेशान है। ये प्रकरण चूंकि हम लोग के संज्ञान में कल ही आया है तो हम लोग इसकी जाँच करा रहे हैं। जाँच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी तत्काल हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर इसी तरह जिले में और एक दो लोग हैं जैसे चील में है और छानबे में है। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।